प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो किस किस देश की मुद्रा रुपया है? एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। आप यदि SSC का तैयारी कर रहे हो या रेलवे का या बैंकिंग का, तो इस टाइप का प्रश्न हमेशा आपको दिखाई देंगे। तो क्या क्वेश्चन है? किस किस देश की मुद्रा रुपया है, मतलब रुपया जो है किस किस देश में चलता है। तो ट्रिक क्या याद रखिएगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो ट्रिक क्या याद रखना आप लोग को, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो मामा में आ रहा है माँ से मालदीप, फिर सेकेंड माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भाई से भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेलेस और पाकिस्तान से पाकिस्तान। तो ये सब मालदीप, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेलेस, पाकिस्तान, ये सभी में मुद्रा के रूप में क्या चलता है? तो रुपया चलता है। तो रुपया चलने वाला देश का यदि ट्रिक याद रखना है तो क्या याद रखिएगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक। इसी ट्रिक से सभी देश का नाम हम लोग को शामिल करना है। तो ये मुद्रा, मतलब मुद्रा के रूप में रुपया चलता है, तो उस देश का नाम हम लोग देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक के साथ यदि देखते हैं तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मैं आप लोग को देखने जा रहा हूँ, क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, मतलब गंगा नदी जो आप लोग हम लोग देखते हैं उसमें प्रमुख नगर क्या 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 है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा प्रमुख नगर बसा हुआ है। आप लोग जैसे जानते हैं यमुना नदी होता है, गंगा नदी होता है, तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे केवल देखना है कि इंडिया का कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या देखना है, ट्रिक, काना बाप हवाई बेग से भागा। क्या ट्रिक याद रखना है, काना बाप हवाई बेग से भागा। तो काना कानपुर हो गया, वा से हो गया बक्सर, पा से हो गया पटना, हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, अब बेग से हो गया बेगूसराय, से साहेबगंज, अब भागा से भागलपुर। तो कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज, भागलपुर, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मतलब ये सभी की जितना भी शहर हम लोग देख रहे हैं सभी इंडिया का शहर है, सभी किसके, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस टाइप का ट्रिक यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को रटना नहीं है, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में आप लोग रट के एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ट्रिक से याद रखते हैं तो हमेशा के लिए आपको प्रश्न याद रहेगा। तो गंगा नदी के किनारे कौन क्या याद रखना, काना बाप हवाई बेग से भागा। और यही यदि मुद्रा रहेगा कि रुपया कहाँ कहाँ चलता है तो क्या याद रखना है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा।